हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आपके डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, और जिनमें तीन तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी बहुत कॉमन रहती हैं, जिसमें मुंह से बदबू आना, पायरिया और कैविटी। तो क्या ये तीनों चीज़ें होने के पीछे जो कारण है वो मीठा यूज़ करना है, या फिर जो चॉकलेट और टॉफ़ी है जो हम खाते हैं, या फिर बच्चे अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर उनके दांत ख़राब हो जाते हैं तो क्या उसके पीछे भी कारण चॉकलेट और टॉफ़ी है, तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए या इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर हम ये बंद कर देंगे और इस्तेमाल करना रोक देंगे तो क्या फिर दांत कभी ख़राब नहीं होंगे, या फिर मुंह से बदबू नहीं आएगी, या दांतों में कैविटी नहीं होगी। ये एक सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स का भी हो सकता है और कॉमन पर्सन एज ए अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपका भी हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसकी वास्तविकता को सही से समझेंगे कि क्या ये बात सही है या इससे हम किसी दूसरे तरीके से भी बच सकते हैं। बेसिकली जब हम एक एज ए पेशेंट होते हैं, अगर हम पेशेंट्स की बात करें, जब सवाल पूछे जाते हैं पेशेंट से कि आप ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या आप अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं पेशेंट से कि हाँ हम अपने दांतों का बहुत ध्यान रखते हैं और हम ब्रश भी करते हैं। लेकिन ये जो ब्रश करने का तरीका है या फिर दांतों को ध्यान रखने का तरीका है, खाना पीना तो अलग छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो अभी आगे बात करेंगे, सिर्फ केयर की अभी बात करते हैं कि जो आप केयर कर रहे हैं वो किस लेवल की केयर है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि आपके दांतों से बदबू आएगी या नहीं, आपको पायरिया होगा या नहीं, या फिर आपको कैविटी होगी या नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम खुद एज ए पेशेंट अगर हम बात करें, या मैं अपनी बात करूं या किसी और की बात करूं, तो हम किसी मामले में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे ही पहलू में हम बहुत ख़राब हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे पूछूं कि क्या आप बहुत सफाई पसंद हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, आप अच्छी प्लेट और साफ़ प्लेट में खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात आप यही कहेंगे हाँ आप बहुत अपनी केयर करते हैं और जब भी आप खाना खाते हैं तो आप एक साफ़ प्लेट में खाना खाते हैं। तो अगर मेरा ये आपसे फिर अगेन क्वेश्चन रहे कि आप जो प्लेट है खाना खाने के बाद क्या धोते हैं, तो आप यही रिप्लाई करेंगे यस हम उसको खाना खाने के बाद धोते हैं। अगर फिर ये सवाल रहे कि अगर हम ये कहें कि आप खाना खाने के बाद प्लेट को मत धोइए, दोपहर को जब आप मान लीजिए सुबह का खाना आपने उस प्लेट में खाया है, तो जब दोपहर को आप खाना खाएंगे लंच करेंगे तो फिर आप उसी प्लेट में खाएगा, तो शायद आप कहेंगे नहीं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं खाएंगे उस गंदी प्लेट में, ये जवाब रहता है। लेकिन यही जवाब अगर हम आप दांतों के लिए पूछें कि सुबह जब आपने खाना खाया तो क्या आपने खाना खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश किया था, तो वहाँ पर आपका जवाब होता है नहीं। तो प्लेट के संदर्भ में तो हम बहुत साफ़ सुथरे हैं लेकिन दांतों के संदर्भ में हमारी जो सफाई है वो उस लेवल पर नहीं है। और यही कारण है कि अगर आप कंपेयर कर लीजिए प्लेट से, कि अगर प्लेट गंदी हो, यानी प्लेट खाना खाने के बाद जो बहुत साफ़ सुथरा खाना होता है जो कि प्लेट में सर्व किया गया, उसको खाने के बाद भी हम ये कहते हैं वो गंदी हो गई, और उसके बाद अगर हम उसको छोड़ दें तो वो दोपहर तक प्लेट बदबू मारने लगेगी, तो अगर हम खाना खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करेंगे तो मुँह से भी बदबू आने लगेगी, तो कौन सा नया काम। तो इसलिए अगर हम खाना खाने के बाद अगर तुरंत जैसे हम प्लेट को वॉश करते हैं उसी के बाद अगर हम थोड़ा सा जाके दो मिनट फटाफट ब्रश उठाएं और ज़रा फटाफट पेस्ट लगा के घुमा लें मुँह में, तो जैसे हमने प्लेट को साफ़ करके रख दिया तो उसी तरीके से हमारा मुँह भी साफ़ हो जाएगा, और वो दांत कब तक साफ़ रहेंगे, जब तक आप दोबारा खाना नहीं खाएंगे। अब आप चाहे लंच करें या फिर इवनिंग में अगर आप खाना खाएं, तब तक आपके दांत साफ रहेंगे, और तब तक जैसे उस प्लेट में से बदबू नहीं आ सकती ऐसे ही आपके दांतों में से भी बदबू नहीं आ सकती। अब सवाल ये आ जाता है कि जो चॉकलेट और टॉफ़ी का जो क्वेश्चन था, तो उसके संदर्भ में भी यही है। यहाँ पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम ये नहीं कहते कि आप कोई चीज़ मतलब खाना बंद कर दीजिए, बल्कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टिकी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, तो वो दांतों का जो ऊंचा नीचे डिज़ाइन होता है उसमें फंस जाती हैं, तो उसके लिए भी यही है कि आप कोई भी चीज़ खाइए, खाने के बाद अगर आप प्रॉपरली दिन में दो बार ब्रश कर लेते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी आराम से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कुछ लोगों का इसमें सवाल ये भी रहता है जब हम ब्रश को कहते हैं खाना खाने के बाद कि
है, क्या हम हर खाने के बाद ब्रश करेंगे? ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम दो बार ब्रश तो कर ही सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोते समय। यानी जब हम सब कुछ खा चुके होते हैं, अब हमें लग रहा है कि अब हमें कुछ भी नहीं खाना है, अब हमें सो जाना है, तब आप सीधा जाइए और ब्रश उठाइए, थोड़ा सा पेस्ट लगाइए और फिर ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने से ये होगा कि जितना भी आपने दिन में कुछ भी खाया है, उसके जो पार्टिकल्स आपके दांतों में फंसे हैं, जैसे कि अगर प्लेट को हम ना धोएं तो प्लेट में खाना चिपका रह जाता है, और अगर वो रात को ऐसे ही रख दी जाए तो सुबह तक वो प्लेट बदबू मारने लगेगी, सड़ जाएगी, और उसमें जो खाना रखा है वो भी सड़ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मुँह अगर हमने नहीं धोया, दांतों को ब्रश नहीं किया, तो सुबह तक जो मुँह में हमारे खाने के पार्टिकल चिपके वो सुबह तक सड़ जाएंगे और फिर बदबू आएगी, और फिर हम शिकायत ये करेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुँह से बदबू बहुत आती है, सांसों में से जब ऐसे करते हैं तो उससे भी तभी भी बदबू आती है, एक फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। तो जैसे प्लेट फ्रेश नहीं रह सकती रात को अगर हम उसे धोए नहीं, तो मुंह में से कैसे फ्रेश बदबू आ सकती है। ये कभी मत सोचिए कि हमारे मांस से बदबू आती है, अगर दांत सड़ता या वो जो हमारे मसूड़े होते हैं अगर वो सड़ने लगते या मांस से बदबू आती तो मतलब वो और भी मुंह के अंदर बहुत सारा मांस है या फिर हाथ पैर है तो सब जगह से फिर ऐसे तो बदबू आने लगेगी, लेकिन मुंह में बदबू आने का जो मेन बेसिक कारण है वो फूड के पार्टिकल्स का वहाँ पर रुकना, यानी खाने के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वहाँ पर जब रुक जाते हैं और फिर वो वहाँ पर जैसे सड़ते हैं उसके बाद उसमें से बदबू जो है बैड स्मेल जनरेट होती है, फिर वो दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, वहाँ से फिर पायरिया की स्टार्टिंग, फिर वहीं से कैविटी की स्टार्टिंग होती है। तो अगर आप चाहे मीठा खाते हैं या फिर आप चॉकलेट टॉफ़ी खाते हैं या फिर बच्चे खाते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि जब वो शाम को सोएंगे रात को सोएंगे तो आप उनको ब्रश करके सुलाएंगे। और ध्यान रखिए कि दिन में दो बार ब्रश की आदत ज़रूर डालिए, कि एक तो सुबह को जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ब्रश ज़रूर करिए, और एक रात में सोते समय ब्रश ज़रूर करिए। हम जब भी ब्रश की जो टेक्निक्स होती है लोगों को जब बताते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि आप ब्रश को रात से कैलकुलेट करिए, रात से स्टार्टिंग करिए। कैसे? कि अगर हमने रात में सोते समय ब्रश किया है, जैसे हमने खाना खाने के बाद अपने बर्तन धो के रखे हैं तो वो सुबह फ्रेश निकलेंगे, तो उसी तरीके से जब हम रात को ब्रश करेंगे तो सुबह हमारा मुँह बिल्कुल फ्रेश होगा और उसमें किसी भी तरीके की बदबू नहीं आ रही होगी और मुँह में कोई कीटाणु भी नहीं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो सुबह उठने के बाद कुल्ला करिए, अगर आपको ब्रश घुमाना है आप घुमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं या खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद प्रॉपर ब्रश जरूर करना है, जिससे जैसे हम अपने खाना खाने के बाद बर्तनों को धोते हैं, जिससे कि वो फिर दोबारा तब तक साफ़ रहें जब तक हम दोबारा खाना नहीं खाएंगे उन प्लेट्स में। तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ज़रूर ब्रश करना है। तो ये दो तरीके से, ये एक तो रात का और एक सुबह का, जब आप ब्रश करेंगे तो क्या होगा, सुबह को ब्रश करने के बाद जब आप एक बार ब्रश कर लेंगे तो फिर वो ऑलमोस्ट शाम तक काम करेगा, क्योंकि जो भी फूड के पार्टिकल होंगे दोपहर में फंसे हैं और फिर शाम में भी इवनिंग में अगर भी फंसे हैं तो वो रात में फिर जब आप ब्रश करेंगे तो वो निकल जाएंगे। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि खाने से भी सेल्फ क्लीनिंग होती है दांतों की, और इससे अगर जब हम खाना खाते हैं तो उससे भी जो कुछ जमा होता है दांतों पे जब हम, तो वो भी साफ़ हो जाता है। जैसे फ्रूट्स मान लीजिए खाए हैं, कुछ और खाते हैं, तो उससे भी दांतों की क्लीनिंग होती है। लेकिन इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि खाने से ही सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है तो हमें ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बर्तनों को धोते हैं उसी तरीके से हमें अपने दांतों को भी साफ करना है। ये दो सवाल जो थे जिसमें था कि चॉकलेट और टॉफ़ी ही क्या कैविटी का कारण है, या इसको बंद कर देना चाहिए या फिर इसको रोक देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चॉकलेट टॉफ़ी नहीं खाते हैं या बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन वो रात को ब्रश नहीं करते हैं तो फिर वही सिचुएशन रहेगी। रात को हम रोज़ अगर बर्तन रखेंगे तो बर्तन सुबह तक तो सड़ ही जाएंगे, मतलब उसमें से बदबू तो आने ही लगेगी। भले ही वो स्टील की प्लेट है वो ख़राब नहीं होगी लेकिन उसमें से बदबू तो आने ही लगेगी, लेकिन दांत तो हमारे एक कैल्शियम की जो एक कवरिंग है उससे और दूसरी चीज़ों से बने हुए, तो वो तो सब ख़राब हो जाने हैं आपके और उसमें तो कुछ नहीं बचेगा। वो तो स्टील की प्लेट है तो चलो ख़राब नहीं होगी, लेकिन दांत तो ख़राब हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कैविटी हो जाएगी और दूसरी समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ध्यान बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, बिल्कुल कंपेयर अपनी प्लेट से करना है कि हम जहां प्लेट के संदर्भ में इतने साफ़ सुथरे हैं तो उसी तरीके से हमें अपने दांतों के संदर्भ में भी उतना ही साफ़ सुथरा होना चाहिए,
तब हमारे दांतों में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हम ब्रश करते हैं तो कौन सा हमें पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाता है कि बात सफाई की है, आप किसी भी पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ये पूछें आपसे कि अगर रात को आप बर्तन धो रहे हैं तो क्या एक ही तरीके का डिटर्जेंट आप यूज़ करके बर्तनों को साफ कर सकते हैं, अरे बहुत सारे डिटर्जेंट है, कोई सा भी आप यूज़ करके दांतों को साफ कर सकते हैं। बात यहाँ पर क्लीनिंग की है कि आप अच्छे से सफाई कर लीजिए बर्तनों की, यानी अच्छे से सफाई कर लीजिए अपने दांतों की, उसके लिए जो भी अवेलेबल पेस्ट आपके घर पर है तो उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर लीजिए। हाँ, अगर कोई और डिफरेंट आपको समस्या है तो उसके लिए अलग पेस्ट होते हैं, लेकिन वो तो बाद की बात हो गई। लेकिन अभी जहाँ पर हमें सिर्फ सफाई की हम बात कर रहे हैं, जहाँ आप ब्रश करते ही नहीं है, वहाँ स्थिति में तो आपको कम से कम रेगुलर 2 बार का ब्रश तो करना ही चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न था बहुत सारे लोगों का, तो आई थॉट दैट कि मैं इसे अच्छे से क्लियर कर दूं। एंड आई थिंक कि ये जो एग्जांपल मैंने अगर आपको दिया है तो इसको आप दूसरों को भी दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसको फॉलो करें और दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें और वो अपने भी दांतों को बचाएं और दूसरी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं घर में, उनके भी दांत जो है वो हेल्दी रहें। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो इसका फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, एक तो लाइक करके, कमेंट करके, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें आपका फीडबैक मिले और उससे हमें डायरेक्शन भी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिफरेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।